दोस्तों, तेजस फाइटर विमानों की सेल को लेकर अर्जेंटीना के साथ भारत की बातचीत काफी तेजी से जारी है और पिछले कुछ महीनों में इसे लेकर काफी बड़े कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है उसने ये बात साफ कर दी है कि अर्जेंटीना तेजस फाइटर विमानों को खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और इस पर कोई फैसला जल्द ही ले सकता है। जिसके तहत अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अर्जेंटीना एक खास टीम का निर्माण कर रहा है जिसमें अर्जेंटीना की मिलिट्री और वायुसेना के उच्च अधिकारी पायलट और टेक्नीशियन मौजूद होंगे, जो कि एरो इंडिया 2023 के दौरान तेजस मार्क 1A फाइटर विमानों का दौरा करेंगे और अर्जेंटीना के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे कि तेजस फाइटर विमान कितना शक्तिशाली है और क्या उनके लिए ये सही रहेगा या फिर नहीं। साथ ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में भी अर्जेंटीना की वायुसेना की एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन भारत दौरा करने आए थे, जिसके दौरान अर्जेंटीनियन वायुसेना के अधिकारियों ने बेंगलोर में मौजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा किया, जिसमें न कि सिर्फ उन्हें तेजस फाइटर विमानों को विजिट कराया गया बल्कि उन्हें प्रचंड हेलीकॉप्टर का भी दौरा करने को मिला, जिसके दौरान भारत ने इन उपकरणों की क्षमता और शक्ति के बारे में जानकारी दी। वहीं पर इस विजिट के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने अर्जेंटीना की वायुसेना को ये बात भी समझाई कि कैसे एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम तेजस लड़ाकू विमान में से सभी ब्रिटिश कंपोनेंट और सब सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे, ताकि अर्जेंटीना की वायुसेना आसानी से इन्हें खरीद कर ऑपरेट कर सके और भविष्य में मेंटेनेंस के मामले में भी इन्हें कोई परेशानी न आए, जिससे अर्जेंटीना काफी प्रभावित भी हुआ था। हालांकि अक्टूबर के बाद से भारत और अर्जेंटीना कूटनीतिक स्तर पर लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अर्जेंटीना की वायुसेना ने अपनी रिपोर्ट पूरी करने के लिए कुछ अतिरिक्त महीनों का समय लिया, ताकि यह तय कर सके कि भारत के तेजस चीन के JF-17 और अमेरिकन F-16 फाइटर विमानों में से उनकी वायुसेना के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा, जिसमें वह कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। लेकिन यह बात साफ है कि अगर क्षमता और शक्ति की बात की जाए तो भारतीय तेजस का कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारत का तेजस चीनी JF-17 के मुकाबले एवियोनिक्स वेपन और इंजन के मामले में काफी ज्यादा सुपीरियर है। साथ ही अगर हम तेजस की तुलना F-16 से करते हैं तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि तेजस F-16 से ज्यादा सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, लेकिन अर्जेंटीना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेजस एक कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प जरूर है। साथ ही हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भारतीय वायुसेना ने खुद 80 से ज्यादा तेजस फाइटर विमानों के ऑर्डर दिए हैं और भविष्य में इनके अतिरिक्त ऑर्डर भी दिए जाएंगे, यानी कि भारत के अंदर ही तेजस फाइटर विमानों का एक बड़ा और मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ऐसे में अगर अर्जेंटीना भारत से तेजस फाइटर विमानों को खरीदने के लिए आगे बढ़ता है तो ये उनके लिए एक अच्छा विकल्प जरूर होगा। वहीं पर जिस तरह से भारत इजिप्ट और अन्य देशों के साथ तेजस फाइटर विमानों की सप्लाई को लेकर बातचीत कर रहा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत का रक्षा निर्यात काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला है और भविष्य में अर्जेंटीना के साथ साथ अर्मीनिया भी तेजस फाइटर विमानों का एक खरीदार हो सकता है, क्योंकि अर्मीनिया भारतीय हथियारों की क्षमता और शक्ति से काफी ज्यादा प्रभावित है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर भारतीय सेना द्वारा जारी की गई एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल से जुड़ी हुई है, जिसके तहत इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारतीय सेना लगभग 300 लॉजिस्टिक रफ टेरेन व्हीकल की खरीद करना चाहती है, जो कि भारतीय सेना की लॉजिस्टिक क्षमता को पहाड़ी इलाकों में कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा, जिसकी सहायता से हम अपनी सप्लाई लाइन को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और फॉरवर्ड लोकेशन पर अपनी कनेक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। भारतीय सेना लगभग 300 लॉजिस्टिक रफ टेरेन व्हीकल को खरीदना चाहती है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे। साथ ही भारतीय सेना ने ये बात भी साफ कर दी है कि ये लॉजिस्टिक RTV 1 टन से ज्यादा वजनी नहीं होना चाहिए, वहीं ये कम से कम 150 किलोग्राम का वजन उठाकर चलने में सक्षम होने चाहिए। साथ ही इनका इस्तेमाल 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी किया जा सकना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इनके अंदर ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए कि हम इन्हें हमारे पास मौजूद हेलीकॉप्टर से पैरा ड्रॉप भी कर सके। इसके अलावा भारतीय सेना द्वारा खरीदे जाने वाले इन लॉजिस्टिक RTV से इस बात का भी पता चलता है कि भारत चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। वहीं हम हर उस जरूरी उपकरण को अपनी सेना में इंडक्ट करना चाहते हैं जो कि हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं, जिसके तहत ये RTV पहाड़ी सीमावर्ती इलाकों में हमारी कनेक्टिविटी को मजबूत करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से क्या इन्हें 300 की संख्या में खरीदा जाना पर्याप्त होगा या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।